the world of joyful learning. नमस्कार बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? जी हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपके बोल एकदम मीठे होने चाहिए। आपके बोल हमेशा मीठे होने चाहिए। आप हमेशा सच बोलिए। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर वह सच ही होता है, क्योंकि हमको एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना? जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, क्या वो दूसरे पसंद करेंगे? नहीं ना? तो बच्चों, हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और आपके बोल ऐसे हो जिससे सामने वाला खुश हो जाए। तो चलिए बच्चों, उसी मीठे बोल को लेकर आज हम एक बहुत सुंदर कविता गाएंगे। पहले, मीठे बोल सदा अनमोल, मीठे बोल सदा अनमोल, जब भी बोल मीठे बोल, मीठे बोल सदा अनमोल, जब भी बोल मीठे बोल, मीठे बोल सदा अनमोल, जब भी बोल मीठे बोल। कोयल मीठी गीत सुनाती, कोयल मीठी गीत सुनाती, तभी तो सबके दिल को भाती। कोयल मीठे गीत सुनाती, तभी तो सबके मन को भाती। कौवा काँ काँ चिल्लाता, कौवा काँ काँ चिल्लाता, तभी तो सबकी मार है खाता। कौवा काँ काँ चिल्लाता, तभी तो सबकी मार है खाता। एक बार फिर से, मीठे बोल सदा अनमोल, जब भी बोल मीठे बोल। कोयल मीठी गीत सुनाती, कोयल मीठी गीत सुनाती, तभी तो सबके मन को भाती। कोयल मीठे गीत सुनाती, तभी तो सबके मन को भाती। कौवा काँ काँ चिल्लाता, कौवा काँ काँ चिल्लाता, तभी तो सबकी मार है खाता। कौवा काँ काँ चिल्लाता, तभी तो सबकी मार है खाता। है ना बच्चों, आप सुनकर समझ गए होंगे कि कोयल जब मीठा गीत सुनाती है तभी हम उससे प्यार करते हैं, हमारे मन को कितना अच्छा लगता है। कोयल जब मीठे गीत सुनाती है तो हमारे मन को कितना अच्छा लगता है, और जब कौवा काँव 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 को चिल्लाता है तो हमारे कानों को उसकी आवाज कितनी कर्कश लगती है, इसलिए हम कौवे को मारकर भगा देते हैं, है ना? चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में क वर्ग और च वर्ग पढ़ चुके हैं। क वर्ग से हमने पढ़ा था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, और अंत में अंगा। अंत में अंगा। बच्चों, अंगा को हम शब्द के ऊपर में बिंदु के रूप में लगाते हैं, है ना? जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और इस अनुस्वार के लगाने से उस शब्द की ध्वनि ही बदल जाती है। जैसे कि चांद। देखिए बच्चों, चांद के ऊपर में बिंदी लगी हुई है ना, यह है अंगा, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि जंगल, जैसे कि दंगल। ओके, ये हुई कवर। हमने पिछली कक्षाओं में इनकी कहानियों के साथ पढ़ा था ना। अब चलिए हम शुरू करते हैं चवर्ग। चवर्ग से हमने पढ़ा था, ज से
चम्मच, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इया, इया। अंगा की तरह इया से भी कोई शब्द नहीं बनता, परंतु हम इसको शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु की तरह लगाते हैं। इसको हम आधा अनुस्वार कहते हैं। अंगा को हम पूरा अनुस्वार कहते हैं, परंतु इया को हम आधा अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु लगाने के बाद उस शब्द की ध्वनि पूरी बदल जाती है। देखिए कैसे, यह है चंद्र बिंदु। इसके लगने के बाद इस शब्द की ध्वनि पूरी बदल जाती है, जैसे कि गांव, छांव। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हम ट वर्ग से व्यंजन, ट से टमाटर करते हैं। व्यंजन ट वर्ग का पहला व्यंजन ट से टमाटर और दूसरा व्यंजन ठ से ठेला। ट से टमाटर लाल लाल खाओ, ट से टमाटर लाल लाल खाओ, इसको खाकर फिट हो जाओ, इसको खाकर फिट हो जाओ। ट से टमाटर लाल लाल खाओ, इसको खाकर फिट हो जाओ। ट से टोपी, जो कि हमको धूप से बचाती है। ट से टब, टब में हम पानी भरते हैं। ट से टोकरी, टोकरी में हम कुछ कुछ फल और सब्जियां भी रखते हैं। ट से टमटम, बच्चों क्या आप जानते हैं पुराने जमाने में लोग सवारी करने के लिए टमटम का सहारा लेते थे। ट से टिकट, रेल में यात्रा करने के लिए पहले से टिकट लेनी पड़ती है। ट से टक्कर, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमारी टक्कर किसी से भी हो सकती है। तो अब शुरू करते हैं ट वर्ग की कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम था टीना। वह गर्मी के दिनों में धूप में टोपी लगाकर निकली और जल्दी से ट्रक में बैठकर मूवी देखने पहुंची। सबसे पहले उसने काउंटर में जाकर टिकट लिया, फिर अंदर चली गई। उसने देखा कि पुराने जमाने में लोग यात्रा करने के लिए टमटम का सहारा लेते हैं। फिर जब वह वापस मूवी देखकर निकली तो ट्रक में बैठकर बाजार पहुंची। वहां पर उसने टमाटर खरीदा, वहां पर उसने लाल लाल टमाटर खरीदा और टिंडे की सब्जी भी ली। तो यह हुई व्यंजन ट की कहानी। अब बच्चों आप देखिए व्यंजन ट लिखते कैसे हैं। ट से टमाटर। इसी के साथ हमारी कक्षा आज की समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।